अरे नेहा, मस्त लड़का है, एकदम बेस्ट सर्विस देगा तुम्हें, मज़ा आ जाएगा सीरियसली। एक सेकेंड। अरे विजय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तो तुम्हें अंकिता के पास भेजा था ना। संध्या, आई लव यू। हाँ बैठो, आई लव यू टू, पर क्या हो गया? हाँ संध्या, क्या बताऊँ, मैं जब भी किसी दूसरी औरतों के साथ सोता हूँ ना, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी याद आती है। ऐसा लगता है कि सब कुछ छोड़ के मैं तुम्हारे पास आ जाऊँ। तुम्हारे बिना बिल्कुल दिल नहीं लगता। लगता है मेरे बाबू को मुझसे प्यार हो गया। शायद यही समझो। अच्छा संध्या, मुझे एक बात बताओ, क्या तुम सच में मुझसे प्यार करती हो या मेरे जिस्म से? क्या हुआ? ये कैसी बात कर रहे हो विजय? तुम्हें पता नहीं है मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ? थैंक यू सो मच, आई लव यू। आजा बेटा विजय, खुश रहो खुश रहो। आजा बैठे आराम से। अरे निधि, इसके लिए जरा चाय पानी का बंदोबस्त करना। अच्छा सुनिए, जरा बात करनी है आपसे, अंदर आइए। अच्छा चलो मैं आता हूं, मैं एक मिनट में आता हूं। मैंने आपको कितना समझाया था उस दिन, फिर भी आप उसे यहाँ ले आए। अरे निधि, कुछ ही महीनों की तो बात है, बस एक बार उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए फिर वो यहाँ से चला जाएगा, कहीं नौकरी वोकरी कर लेगा। देखो मैं तो बस इतना ही चाहता हूँ कि उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए कैसे भी करके, और वैसे भी तुम घर में अकेली ही रहती हो तो तुम्हारे घर के काम काजों में तुम्हारी मदद कर देगा। मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन उसका ग्रेजुएशन पूरा होने तक ही, उसके बाद आप खुद ही उसे यहाँ से जाने के लिए कहोगे, समझे? हाँ बाबा, सब समझ गया, और मैं उसे भी समझा दूंगा। अब बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को लेकर आओ, वो भी बेचारा भूखा होगा। जाओ। अरे विजय चल फ्रेश हो जा। चाचा जी, मुझे लगता है कि मैं आप पर बोझ ना बन जाऊं, मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। बेटा तू ये कैसी बातें कर रहा है? ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, तू बस अपनी पढ़ाई में ध्यान दे। हाँ, और बाकी रही बात तेरी चाची की, उसको इतने सालों से मैं झेल रहा हूँ, कुछ महीनों के लिए तू भी झेल ले। हाँ, और हाँ, अपनी चाची को घर के कामों में कुछ मदद कर देना, ठीक है? चल अभी फ्रेश हो जा और खाना खाते हैं, आ जा। अरे विजय सुन। जी चाची। आज किटी पार्टी है घर में, तो मेरी कुछ सहेलियां आने वाली है, तो तुम मार्केट से कोल्ड ड्रिंक, चिप्स और कुछ नमकीन और नाश्ते की चीजें लेके आना। और एक बात, जो मेरी सहेलियां आने वाली है ना, तो उनका अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है?
अरे यार, मेरा तो पैक यार, आज का तो दिन ही बुरा है, मैं तो हारती चली जा रही हूँ। अरे संध्या, अभी तो गेम स्टार्ट हुई है और तुम अभी से ही परेशान होने लगे। संध्या, ये कौन है? ये मेरा भतीजा है विजय। आज का डिनर इसी ने बनाया है। चिकन तो बहुत लाजवाब बनाता है, कभी खाना होगा तो बताना। अरे जब तुम इतनी तारीफ कर रही हो तो टेस्ट तो जरूर करेंगे। विजय, पकौड़े कहाँ है? पकौड़े नहीं बनाए तुमने? चाची जी, दिमाग से निकल गया। मैं अभी जाता हूँ और मैं पकौड़े बना के लाता हूँ। भूल गए? सारा मजाक खराब कर दिया। जाओ जाके जल्दी पकौड़े बनाओ जी। अरे छोड़ ना निधि, चलो चलो चाची। यूज़लेस। हाँ पते बाटू। अरे यार, अभी भी वही पत्ते आए हैं, बकवास। मेरा तो पैक है। अच्छा तुम लोग फिर से पत्ते बांटो, मैं जरा वॉशरूम होके आती हूँ। ठीक है। कोल्ड ड्रिंक लो ना। आप? वो मुझे थोड़ी प्यास लगी थी, पानी मिलेगा क्या? जी क्यों नहीं। ये लीजिए। वैसे देखने में तो तुम पढ़े लिखे लगते हो, फिर? ग्रेजुएशन कर रहा हूँ आरडी कॉलेज से। तुम्हारी चाची तुमसे बहुत काम करवाती है ना? जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। अरे संध्या कहाँ रह गई, आई नहीं अभी तक? अरे उसे प्यास लगी थी, वो प्यास बुझाने गई है। तू भी ना। वैसे मैंने सुना है तुम कुकिंग बहुत अच्छी कर लेते हो, थोड़ा हमें भी कुछ बनाना सिखाओ ना। हम भी तुम्हें बहुत कुछ सिखा सकते हैं। देखिए प्लीज प्लीज, क्या कर रही है? पत्ते बट गए, कहाँ रह गई? आ जाओ जल्दी। हाँ आ रही हूँ। पसीना पोंछ लेना। जी,
रह गई थी। निधि। हाँ बोलो। वो मेरे गांव से ना आम आए हुए हैं, तो तुम विजय को भेज के कल मंगवा लेना। अरे नेकी और पूछ पूछ, कल ही विजय को भेजती हूँ। हाँ डोंट वरी, आई विल बी ऑन टाइम। अरे मिस्टर ओबेरॉय, मैं 2-3 दिन के लिए आपके साथ ही रहने वाला हूँ। हाँ ओके। संध्या मेरा बैग लाना। कितने दिनों के लिए जा रहे हो? क्यों, मेरे पीछे किसी यार को बुलाने वाली हो क्या? क्या बकवास कर रहे हो तुम? अरे इतने बड़े घर में मैं अकेली रहती हूँ, तुम जा रहे हो मुझे अच्छा नहीं लगता, मैंने सिर्फ इसलिए पूछा। पर तुम्हारी तो आदत है बकवास करने की, कर क्या सकते हैं। बाय। और सुनो, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मुझे पता था तुम्हें हमेशा पैसों की जरूरत रहती है। क्रेडिट कार्ड सेफ में रखा हुआ है, यूज कर लेना। और हाँ एक बात और, मेरी पीठ पीछे ना अगर तुमने अपने किसी यार को बुलाया ना, तो तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगा। गॉट इट? संध्या बोलो। हाँ निधि, तूने विजय को आम लेने भेजा नहीं? क्या गया नहीं विजय? नहीं। अच्छा तुम रुको, मैं अभी भेजती हूँ उसको। हाँ थोड़ा जल्दी भेजना, हाँ मुझे और भी काम है। ओके। विजय। जी चाची। तुम्हें संध्या के घर आम लेने के लिए भेजा था ना, तुम गए नहीं अभी तक? वो चाची जी, मैं क्या कह रहा था कि वहां जाना जरूरी है क्या? नहीं मतलब सोच रहा था कि थोड़ा पढ़ाई कर लेता। हाँ जरूरी है, और तू ज्यादा बहाने मत बनाया कर काम के लिए, समझे? जाओ अभी आम लेके आओ। जी वो चाची जी। हाँ मुझे पता है तुम आम लेने आए। जी आओ अंदर आओ, आ जाओ अंदर आ जाओ। रिलैक्स, हम मिल जाएंगे, बैठो ना। अरे बैठो। रिलैक्स विजय। जी क्या लोगे विजय? चाय, कॉफी, ठंडा? जी शुक्रिया, वो बस
आम दे दीजिए तो मैं से आम मिल जाएंगे मुझे। तो मेरे घर में पहली बार आ रहे हो, मैंने तुम्हारे लिए चाय बना के रखी है, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी, बस एक मिनट में लाती हूँ। कैसी लगी? जी अच्छी है। चाय? चाय नहीं, मैं। ये क्या कर रही हैं आप? आप आम दे दीजिए, मैं चला जाऊंगा। ये क्या, क्या क्या कर रही हैं आप? कुछ नहीं विजय, धीमे धीमे सब समझ जाओगे। गलत है, आप बस आम दे दीजिए, मैं चला जाऊंगा। मिल जाएंगे आप विजय, आम चाहिए ना, चलो बेडरूम में चलो। क्या क्या बोल रही हैं आप? देखिए मिल जाएंगे आप। ये गलत है। अरे विजय, हम तो लेते जाओ। विजय, तो संध्या के घर से आम क्यों नहीं लेके आया? चाची जी, वो संध्या जी मुझे गलत तरीके से छू रही थी। पता है मुझे, तू लड़का है, क्या समस्या है तेरी? पर चाची जी, आप ये क्या कर रही है? आपको पता नहीं है वो संध्या जी मेरे साथ क्या कर रही थी? जो वो बोल रही थी करना चाहिए था ना तुझे, भागा क्यों वहां से? तो क्या करता, उनके इरादे ठीक नहीं थे, गलत तरीके से मुझे छू रही थी, वो कुछ गलत करना चाहती थी मेरे साथ चाची जी, इसीलिए मैं वहां से भाग आया। देख, तुझे अगर इस घर में रहना है ना तो मेरी हर बात माननी पड़ेगी। मेरी बात सुन, या तो संध्या के घर वापस जा, वो जो कहती है वो चुपचाप कर, या फिर अपना सामान उठा और बाहर निकल। अब तू सोच तुझे क्या करना है। ठीक, मैं चाहता हूँ। हाँ संध्या, विजय आ रहे हैं तुम्हारे पास, अब वो कोई बहाने नहीं बनाएगा। बैठे हुए, चलो बेडरूम में। विजय,
इतना परेशान क्यों हो? मैं जानती हूँ तुम्हारा ये फर्स्ट टाइम है ना, टेंशन मत लो, धीरे धीरे मैं सब कुछ तुम्हें अच्छे से सिखा दूंगी। जी वो कॉलेज जाना है मुझे। तो चले जाना ना, थोड़ा हमारे पास भी बैठ लो। नाराज हो क्या हमसे? ऐसी बात नहीं है, बस आप आम दे देती तो मैं चला जाता यहाँ से। हाँ बाबा, आम भी मिल जाएंगे, मैं तुम्हारे लिए अभी आम लेकर आती हूँ। हाँ हाँ, पूरी पेटी नीचे भरी रखी है, ये तो सिर्फ मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। लो खाओ, टेस्ट करो। नहीं ठीक है। शर्माओ मत, खाओ ना। चलता हूँ। अरे इतनी जल्दी भी क्या है, अब थोड़ा रुको ना, बैठो हमारे पास, अब सब कुछ तो हो गया है हमारे बीच। बी फ्रैंक विद मी विजय। अच्छा अपने बारे में कुछ बताओ कि तुम निधि को टॉलरेट कैसे करते हो, कितना टॉर्चर करती है तुम्हें वो। चाची है मेरी। हाँ मैं जानती हूँ तुम्हारी चाची है, लेकिन कोई तो मजबूरी है ना कि वहाँ पे तुम काम कर रहे हो। अच्छा बताओ अपनी स्टोरी। मैं अपने पापा के साथ गांव रहता था, एक महीना पहले पापा गुजर गए और उनके अलावा कोई था भी नहीं हमें देखने के लिए, और इसीलिए चाचा जी मुझे यहाँ पे लेकर आए। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद वो अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, तब तक लिए तो चाची जी को झेलना ही पड़ेगा। हाँ सच बताऊँ तो कभी कभी लगता है कि घर छोड़कर भाग जाऊँ, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है, पैसे नहीं है ना हमारे पास। आपको तो पता है कि पैसे के बिना इंसान इंसान ही नहीं रहता। तो पैसों की प्रॉब्लम है, कमाने हैं तुम्हें पैसे? पैसे कौन नहीं कमाना चाहता है। तो फिर ठीक है, मैं हेल्प करूंगी तुम्हें पैसे कमवाने में, बस जैसा जैसा मैं कहती जाऊं वैसा वैसा तुम करते जाना। कल दोपहर को मिसेस शर्मा के यहाँ पहुँच जाना। और बदले में करना क्या होगा? वही जो तुमने अभी मेरे साथ किया है, प्यार। What? Are you serious? Come on विजय, don't overreact. मिसेस शर्मा तुम्हें इस काम के 10,000 रुपए देंगी, और शॉर्टकट में पैसे कमाने का यही एक तरीका है, अपना काम करना और निकल जाना, that's it. जाओ, सोचो मत ज्यादा, कर लो।
वैसे आपने अपने बारे में नहीं बताया, आप इस महल में अकेली रहती हैं? नहीं, यहाँ पे मेरे साथ मेरे पति रहते हैं, अमर। बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, इसीलिए हमारे लिए टाइम नहीं है उनके पास। सुबह जल्दी जाते हैं और रात में देर से आते हैं, और जब वो आते हैं तब भी हम सो रहे होते हैं, और जब वो जाते हैं तब भी हम सो रहे होते हैं। आपका सही है। अच्छा सुनो, अमर के आने का समय हो रहा है, अब तुम जाओ। अगर उन्होंने तुम्हें यहाँ देख लिया ना तो बहुत बुरा हो जाएगा। ठीक है। संध्या आपने प्यार के जाल में फंसाकर विजय के साथ क्या करना चाहती थी, विजय को शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं था। अरे अनु, लड़का ना एकदम मस्त है यार। अरे सिर्फ 50,000 की तो बात है, तू जब भी बोलेगी ना मैं उसे तेरे पास यूं भेज दूंगी। अरे यार तुझे मजा आ जाएगा, सीरियसली बोल रही हूं। हाँ तो मुझे बताना। ओके। अरे नेहा मस्त लड़का है, एकदम बेस्ट सर्विस देगा तुम्हें, मज़ा आ जाएगा सीरियसली। एक सेकेंड। अरे विजय तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तो तुम्हें अंकिता के पास भेजा था ना। संध्या आई लव यू। हाँ बैठो, आई लव यू टू, पर क्या हो गया? हाँ संध्या क्या बताऊँ, मैं जब भी किसी दूसरे औरतों के साथ सोता हूँ ना तो मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी याद आती है। ऐसा लगता है कि सब कुछ छोड़कर मैं तुम्हारे पास आ जाऊँ, तुम्हारे बिना बिल्कुल दिल नहीं लगता। लगता है मेरे बाबू को मुझसे प्यार हो गया। शायद यही समझो। अच्छा संध्या मुझे एक बात बताओ, क्या तुम सच में मुझसे प्यार करती हो या मेरे जिस्म से? क्या हुआ? ये कैसी बात कर रहे हो विजय, तुम्हें पता नहीं है मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। थैंक यू सो मच, आई लव यू। ये कौन है? अमर, 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 मेरे घर में क्या कर रहा है? मेरे घर में क्या कर रहा है? इधर, अमर, मेरे घर। मैं तुम्हें एक्सप्लेन करती हूँ। मैंने कहा था ना मेरे पीठ पीछे इस घर में कोई आना नहीं चाहिए। कौन है साला? मैं बताती हूँ। मैं ऐसा नहीं। मैं बताता हूँ तेरी माफी क्या है। अमर प्लीज, अमर नहीं, अमर ना। तू इसी के लायक है। अमर, अमर, अमर प्लीज, प्लीज अमर। तू इसी के लायक है। प्लीज छोड़ दो। इसी के लायक है। इसी के लायक है। क्या कहा था मैंने बता? ये क्या कर रहे हैं आप? आप ही हिम्मत मारी, बहुत प्यार करता हूँ इनसे मैं तो। अरे वो मेरी बीवी है, मेरी बीवी है।
छोड़ूंगा नहीं मैं, ये भी होते रहेगा आज। तूने मेरी इज्जत बर्बाद कर दी। तू इसी आ गया। कैसे जा सकता हूँ? अरे तुम मेरी चिंता मत करो, पुलिस आ गई तो सब गड़बड़ हो जाएगा विजय। तू प्लीज प्लीज जाओ यहाँ से, प्लीज जाओ, जाओ प्लीज। तो देखा आपने किस तरह संध्या की लालच ने विजय और राजीव दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दी। विजय में अगर थोड़ी सी भी समझ होती तो राजीव की हत्या करने के पहले वो 10 बार सोचता, लेकिन विजय संध्या के प्यार में पागल होकर राजीव की हत्या कर बैठा। राजीव की मौत भले ही एक्सीडेंटली हुई हो, लेकिन इससे विजय और संध्या का जुर्म कम नहीं हो जाता। मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल्स की सहायता से पुलिस इन दोनों तक पहुंची जाती है और आज दोनों विजय और संध्या सलाखों के पीछे हैं। मैं अनुराग मिश्रा, फिर मिलेंगे अपराध के एक नए एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।